बलरामपुर सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग के वन कटवा रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धामा चोरी के मजरा भुजेहरा में तेंदुए ने ननके यादव को बुरी तरह से घायल कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुबह ननके यादव ग्राम भुजेहरा अपने खेत में खेत की रखवाली के लिए गए हुए थे, तभी घात लगाए तेंदुए ने उन पर धावा बोल दिया। तेंदुए के हमले से ननके यादव बुरी तरह से घायल हो गए। हल्ला गुहार करने पर ग्रामीणों के पहुंचने के बाद तेंदुआ ननके यादव को घायल कर फरार हो गया। गाँव वालों की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा ले जाया गया, जहाँ उपचार जारी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए का आतंक बीते 10-15 दिनों से जारी है। तेंदुए ने गाँव के ही दो अन्य लोगों को भी घायल कर रखा है। सूचना देने पर वन विभाग के आला अधिकारी आते तो हैं, लेकिन देखकर अपनी ड्यूटी दिखाकर चले जाते हैं। धामाचौरी के भुजेहरा के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से तेंदुए को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चों को व जानवरों को घर में ही रखना पड़ रहा है तथा खेत की रखवाली भी नहीं कर पाते हैं, जिससे आए दिन फसल का भी काफी नुकसान हो रहा है। आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम से साहब मांग करी थे कि ऐसा की वक्त पकड़ाई लेन जाए। हम सो ऐसा दिन बैठे बाद ना खेते निकल पाई ना खरिया नहीं निकल पाई। ये बच्चे हैं तो हरदम कहाँ घर में करिया आ रही है। बारिश हुई तो खाद भूसा लगाओ, खेती करेंगे हम लोग कैसे जाएंगे। क्या नाम है आपके? कहाँ के रहने वाले हैं? काम मांग करते हैं आप लोगों के यहाँ क्या दिक्कत है? दिन बैठे बाद मां सब के लड़के ना एक जाया पावत है, घर में रहो तो द्वारा तक खुद ही आवत है, मैंने मनाई नोट डालत है। अच्छा, और क्या कहीं जाए। अच्छा, तो ये बताओ आपके गांव में बाघ ने कितने लोगों पर हमला किया है? 3 जन का काट। अच्छा, 3 लोगों पर हमला किया है। तो आप लोग काम मांग करते हैं कि यहाँ बाघ के बारे में? बाघ के बारे में है कि उनका पता चला बच्चे हैं नान नान का कही जा रहा है। बलरामपुर हरैया थाना क्षेत्र के भड़ सहिया बाजार में दूध लेकर जा रही पिकअप ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से साइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। वाहन छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने एम्बुलेंस से घायल साइकिल सवार को जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया है। ननकू निबरे मनोज का कहना है कि साइकिल सवार जंगली घास काटकर घर लौट रहा था। हरैया बाजार से मणिपुर की तरफ जा रही पिकअप वाहन ने शाबान अली 40 वर्ष निवासी भड़ सहिया को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। थाना अध्यक्ष हरैया अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि घायल को परिवारी जनों द्वारा उपचार हेतु संयुक्त जिला अस्पताल बलरामपुर भेजा गया है। पीड़ित द्वारा थाने पर सूचना नहीं दी गई है। बरेली में इंस्पेक्टर बिथरी चैनपुर बरेली अश्विनी कुमार और सिपाही के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इंस्पेक्टर सिपाही को धमकी देते हुए उसे जिला बदलने की धमकी दे रहा है और बोले, अभी तो तेरा हल्का बदला है, अब तेरा जिला ही बदल दूंगा। थाना बिथरी बरेली के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने सिपाही को धमकी दी। इंस्पेक्टर के बिगड़े बोल ऑडियो में साफ सुनाई दे रहे हैं। वह अपने थाने के एक सिपाही को धमकी दे रहा है कि ज्यादा सीर खा रहा है, अब देख तुझे एक ही रिपोर्ट में जिले से बाहर भिजवाऊंगा। वायरल ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार मर्यादा की भाषाओं को भूल गए और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने लगे। इंस्पेक्टर ने सिपाही से बोला, अभी तेरा क्षेत्र बदला है, एक ही रिपोर्ट में तेरा जिला बदलवा दूंगा। हेलो, हाँ गुलफाम भाई जी, तो सर बात करें। कहाँ हो भाई तुम? जैन साहब मनपुरिया गए थे साहब, दरोगा जी के साथ में, वो टीपी नगर चौकी से साफ सिपाही लेके गए थे। तो दरोगा जी तो चौकी की तरफ को चले गए थे, हम साहब कूड़े डंडे की तरफ को आ रहे थे साहब। कौन से दरोगा जी चले गए थे? राम नरेश दरोगा जी साथ में लेके गए थे साहब, मनपुरिया। जब मैंने मैसेज डाल रखा कप्तान साहब का, आदेश आगे 7 बजे से चेकिंग होगी, तो यहाँ तुम ऐसी तैसी मराते घूम रहे हो बाइक पे, फिर तू टान लग रहा। अभी तो तेरा हल्का बदला, अब का जिला बदल दूंगा, ध्यान रखना एक ही रिपोर्ट पे। अगले महीने के 2 नाम जाएंगे ना, और अय्या वो सुमत तेरा ही भेजूंगा मैं। तेरा दिमाग ज्यादा दुरुस्त हो गया ना, तो उड़ना शुरू कर देता है ना मुल्ला होने की वजह से, कि मुल्लाओं के क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूँ, ज्यादा सिर खारा दिखा है ना घर घर जाके।
बुलंदशहर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे सरकारी मुलाजिम। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी मुलाजिमों ने सड़कों पर निकाला मशाल जुलूस। कर्मचारियों का दावा, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकारी मुलाजिमों ने सरकार बदली, वैसे ही यूपी में होगा। सैकड़ों की तादाद में सरकारी मुलाजिमों ने बुलंदशहर काला आग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। का कार्यक्रम ये है कि मशाल जुलूस का, और ये प्रदेश व्यापी नहीं बल्कि ऑल इंडिया बेस पे, इसके लिए जो कर्मचारियों का पेंशनर्स का एक मंच बना है तमाम कर्मचारी संगठनों को लेकर के पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हमें एक आंदोलन चलाया। नगर पंचायत मखनपुर रेलवे तय स्टेशन के अंडरपास के बनाने से जनता को असुविधा। मखनपुर रेलवे स्टेशन पर विभाग द्वारा जो अंडरपास बनाया गया है उससे जनता को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अंडरपास में पानी भरा रहता है तथा पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, और अंडरपास में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से जनता को काफ़ी परेशानी होती है। बरसात में काफ़ी पानी भर जाता है। इस अंडरपास से कई गाँवों में आने जाने का रास्ता है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। कई बार रेलवे अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही काम पूरा किया जाएगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित में देखते हुए अंडरपास में जल निकासी तथा लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। बजाज जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मखनपुर रोजाबाद। क्या समस्या है पुल की? ओवरब्रिज में कस्बा मखनपुर रेलवे स्टेशन पर जो अंडरपास बना हुआ है वो रेलवे विभाग की लापरवाही से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन अंडरपास में घटनाएं होती हैं। अंडरपास में न तो लाइट की व्यवस्था विभाग ने की है, और बरसात के दिनों में अंडरपास में इतना पानी भर जाता है कि जनता को निकलना मुश्किल होता है, जिससे आए दिन घटनाएं होती हैं और जनता को भी काफ़ी परेशानी होती है। क्या क्या ये तो ये एक तो लाइट की परेशानी बता रहे हो और पानी निकलने की समस्या। अंडरपास में लाइट की व्यवस्था नहीं है और बरसात में पानी भर जाता है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी होती है। नगर पंचायत मखनपुर में रेलवे स्टेशन रोड की मरम्मत कार्य नहीं होने पर जनहित में धरना प्रदर्शन शुरू करने के संबंध में निवेदन है कि कस्बा मखनपुर स्टेशन रोड की मरम्मत कार्य नहीं होने पर जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसी संबंध में एक मीटिंग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक जिला उपाध्यक्ष रमाकांत बजाज के नेतृत्व में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में स्टेशन रोड की सड़क पर विचार विमर्श किया गया। इसी संबंध में लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र द्वारा तारीख 12/3/2023, 27/3/2023 तथा 9/4/2023 को अवगत कराया गया था, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं हुआ। जनता को आने जाने में काफी परेशानी होती है तथा काफी गहरे गड्ढों में चलना पड़ता है। अधिकारियों से संपर्क करते हैं, अधिकारी लोगों के फोन नहीं उठाते। जब फोन उठता है तो कहते हैं काम चालू होने वाला है, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हुआ। इधर सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें हो, लेकिन PWD के अधिकारी इधर ध्यान नहीं देते। इस सड़क से कई गाँव जुड़े हुए हैं। सुबह रेलवे स्टेशन आ जाते यात्रियों को गड्ढे से होकर निकलना पड़ता है। रमाकांत बजाज जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मखनपुर जनपद फिरोजाबाद। स्टेशन रोड है, क्या बात है, क्या क्या परिस्थिति? कस्बा मखनपुर रेलवे स्टेशन सड़क का इतना बुरा हाल है कि इसमें आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। काफ़ी गहरे गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इस संबंध में अशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका कहना है कि हमने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर को अवगत करा दिया है, लेकिन जूनियर इंजीनियर सतीश वर्मा की लापरवाही व तानाशाही से आज तक कस्बा मखनपुर रेलवे स्टेशन सड़क का कोई भी
निर्माण कार मरम्मत कार नहीं हुआ है। कैसे जयी साहब फोन नहीं उठाते, क्या कहते हैं जयी साहब? जब जूनियर इंजीनियर से संपर्क किया जाता है तो उनका फोन नहीं उठता है, और जब फोन भी उठाते हैं तो उनका कहना है कि ऐसे आदेश तो आते रहते हैं, हम मतलब हमारी इच्छा होगी वो करेंगे। इसमें कितने कब से आपने इसकी चल रही प्रतिक्रिया? इस संबंध में हमने लोक निर्माण विभाग के 88 अभियंता को एक महीना से ज़्यादा हो चुका, लेकिन अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई भी कार्य निर्माण नहीं कराया है। नरेश चंद्र पुत्र ब्रजमोहन लाल निवासी नीलम कोल्ड स्टोर के पास इटावा रोड सिरसागंज फिरोजाबाद का निवासी है। आज सोथरा चौराहे पर लगे एक्सिस बैंक एटीएम से रुपए निकालने आए थे, तभी समय लगभग 11:30 पर भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम कार्ड को मशीन में लगाकर रुपए निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी पीछे से एक अनजान युवक आया। उसने अपनी बातों में उलझाकर बताया अपने एटीएम कार्ड उल्टा लगा दिया है। उसने एटीएम कार्ड निकाला और सीधा लगाया, इतनी ही देर में उसने एटीएम कार्ड बदल दिया, वहां से बाहर निकलकर चला गया। जब पैसे नहीं निकले तो पीड़ित मेन ब्रांच पहुंचा और विड्रॉल फॉर्म भरने लगा, तभी उसके फोन पर 50,000 कटने का मैसेज आया। मैसेज देखकर उसके होश उड़ गए, वह संभल पाता तब तक फिर 25,000 कटने का मैसेज आ गया। कुछ समय बाद 10,000 और कटे, 10,000 और कटने का मैसेज आया। वह तुरंत शाखा प्रबंधक के पास पहुंचा और कार्ड ब्लॉक कराया। थाना सिरसागंज में तहरीर भी दी है। होने वाली घटना का वीडियो में ठगी के हुए शिकार व्यक्ति ने बताया है। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम एक सुधर मेजर नरेश चंद। आज क्या घटना हुई आपके साथ? मैं सूत्रा चौराहे से एटीएम से पैसा निकालने के लिए आया था। कौन सा एटीएम था? एक्सिस बैंक का था। एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तब तक एक दूसरा लड़का आया, बोला कि ये आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो उतनी देर में उसने मेरा एटीएम चेंज कर दिया। मैंने उसको एकदम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं बोला ये तो वैसा ही है कोई लड़का, मैं गमछा बांधे था सर से धूप की वजह से। तो मैं दूसरी वहाँ से पैसा जब नहीं निकल आया तो मैं इसके बाद 11:31 पर मैं चला गया हूँ मेन ब्रांच में जहाँ एक्सिस बैंक की ब्रांच है। तो मैं वहाँ जाके 10,000 रुपये निकाल रहा था, फट सीधे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया है कि आपका 50,000 रुपये विड्रॉल काट लिया है आपका। अरे मैं बोला मैं पैसा एक भी नहीं लिया, काट के दिया। तब तक जैसे ही मोबाइल हुआ है दोबारा फिर मैसेज आ गया 25,000 फिर काट लिया, और फिर आया 10,000 रुपये। तो हमें भी बोला ये तो पैसा किसने क्राइम किया। फिर हमारे पास क्राइम ब्रांच का फ़ोन आया था टोल फ्री नंबर, उन्होंने हमको सूचित किया कि बोले गए ऐसे ऐसी बात है आपका कार्ड लॉक कर दिया है और आपका इतना पैसा निकाल लिया है। मेरा अकाउंट बैलेंस था 1,89,437 रुपये, 85,000। थाने में लिया आया हूँ, शिकायत एप्लीकेशन लिखवा लिया है, अब मैं इसके लिए चक्कर काट रहा हूँ, उधर से उनको थाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक प्रेमी युगल ने पशुओं के तबेले में विषाक्त का सेवन कर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना पटियाली थाना क्षेत्र के गांव श्री नगला की है। आज दिन सोमवार की सुबह गांव की रहने वाली 19 वर्षीय संध्या और 20 वर्षीय अंकित पुत्र वीरपाल का शव अनिल पुत्र दफेदार के पशुओं के तबेले में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों की सूचना पटियाली थाना पुलिस के साथ सीओ सहावर राजू निषाद एवं एएसपी जितेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का सीन क्रिएट कर जांच पड़ताल की। साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्यों को एकत्रित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी जितेंद्र दुबे ने बताया कि आज सुबह पटियाली थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र के गांव श्री नगला में एक युवती और एक युवक का शव पशुओं के तबेले में पड़ा हुआ है। जानकारी पर मेरे और सहावर क्षेत्राधिकारी राजू निषाद द्वारा मौका मुआयना किया गया।
साक्षियों को फील्ड यूनिट द्वारा एकत्रित किया गया है। प्रथम दृष्टया दोनों के शवों पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 22/5/23 में प्रभारी निरीक्षक पटियाली को सूचना मिली थी, गांव श्रीनगला थाना क्षेत्र पटियाली में एक पशु घेर में एक नवयुवक और एक नवयुवती मृत अवस्था में है। इसकी सूचना मिलने के बाद पीआरडी की टीम द्वारा घटनास्थल को वहां सूचित किया गया और उसके साथ साथ प्रभारी निरीक्षक की टीम और मेरे द्वारा साथी क्षेत्राधिकारी सावर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके उसके शरीर पर चोटों का भी परीक्षण किया गया। अन्य जानकारी यहाँ पर कलेक्ट की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो भी दोनों बच्चे हैं, बालिका और बालक, दोनों के शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। पंचायतनामा आदि पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर यहाँ पर पूछताछ और जानकारी हासिल की जा रही है। विधिक कार्रवाई पिछले यूपी के सिद्धार्थनगर में अपराधों की रोकथाम में जहां पुलिस एक और ऑपरेशन